Being an actor, of course, brings the required stardom and fame, but not to forget, actors most often unnecessarily become a part of an unwanted rumor. Hear what Gaurav has to say on it. One rumor I came across, there are so many rumors I've come across, like, you know, कि ये उसको डेट कर रहा है, वो उसको डेट कर रही है, और फिर वो उसको भी डेट कर रही है, और डेट से मंथ बन जाते हैं, मंथ से ईयर बन जाते हैं, फिर लीप ईयर्स भी आ जाते हैं. सो इट्स जस्ट द साइकिल विच दीज आर द वेरी कॉमन रूमर्स, एंड आई एम श्योर ये रूमर्स नहीं है, बट वट एवर द रूमर्स आर, इट कम्स अक्रॉस अ रियल लाइफ स्टोरी. सो यहाँ पे ऐसा कोई मस्ती ऐसी कुछ नहीं, बट पहले पता चलता है तो उसको रूमर बोल देते हैं, बाद में न्यूज़ बन जाती है, फिर वो ऑफिशियल हो जाता है. सो तो रूमर इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एन ऑफिशियल रिलेशनशिप. व्हाट आई समथिंग सिमिलर, आई मीन देयर सोफा, अब तो शादीशुदा हूँ यार, अब तो कोई रूमर मत बना देना क्योंकि मेरा पिताजी वहाँ से गोली मारेंगे ना, लेकिन पता नहीं कहाँ घुसेगी. सो मेरे साथ आई मीन सेट पे कभी कभी होता है, पता चलता है कि इसका ऐसा है, उसका वैसा है, बट मेरे साथ तो यार आई स्वेयर कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बिकॉज आई हैव नेवर गिवन अ चांस टू एनीबडी टू क्रिएट दैट थिंग. बट एंड ऑफ द डे व्हाट आई पर्सनली फील, रूमर्स गिव्स यू मोर इम्पोर्टेंस. सो पीपल टॉक अबाउट यू, आपको फोकट की इम्पोर्टेंस मिल जाती है. सो मुझे वैसे ही लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है, तो क्या रूमर से मिलना. सो मे बी बहुत सारे होंगे जो आए होंगे, पर मेरे पास तक नहीं पहुँचते हैं क्योंकि एक भय बना हुआ रहता है ना, लाइक दैट. सो आई मीन ऐसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं. आई मीन एंड ऑफ द डे देयर इज ऑलवेज पीपल टॉक कि गौरव देयर इज अ हिडन गॉसिप गर्ल इनसाइड यू, या पीपल टेल मी दैट. सो बट वो मेरे गॉसिप बहुत अलग लेवल के होते हैं. आई मीन आई डोंट टॉक अबाउट समथिंग, आई नेवर टॉक अबाउट समवन्स पर्सनल लाइफ, बिकॉज वो अगर किसी की लाइफ का पर्सनल लाइफ, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में आप रूमर बना दो तो इट रियली मतलब वो सामने वाले को बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाता है. और अगर वो नहीं है तो इमोशनली या मेंटली सामने वाला चलता फिरता रिलेशनशिप भी रूमर के कारण डर के, वो ऑटोमेटिकली देयर इज दैट नेगेटिविटी विच जस्ट हिट्स ऑन इट. सो दैट्स हाउ आई पर्सनली फील. मैं मिलूंगा तो मैं उससे क्या बोलूँगा, कोई लड़का होगा या लड़की होगी या कोई बड़ा आदमी होगा, सो आई वुड बी लाइक, एक्चुअली पता है मैं नो रिएक्शन शॉट दे दूंगा, लाइक अ स्ट्रेट फेस, विच इज़ वेरी रेयर फॉर मी, बिकॉज मैं भर भर के एक्सप्रेशन दे के आँखों में, मेरी जबान तक नहीं आती है, मेरे फ्राउनिंग में, आईब्रो में, आंखों में, नाक तक तो सारी गालियाँ आ जाती है, पर इसके नीचे नहीं आती है. सो दैट्स हाउ पर्सनली व्हाट आई वुड डू, व्हाट आई पर्सनली फील. वन मोर थिंग, द मोर यू एंटरटेन द रूमर्स, सो इट बिकम्स रूमर्स एंड ऑल दैट. सो दैट्स हाउ इट ग्रोज, इट ग्रोज लाइक अ प्लांट, लाइक अ ट्री. सो इसलिए अच्छा वो अपना जड़ से ही उखाड़ दो. और अगर मेरी लाइफ में कोई अगर मेरा रूमर होगा ना, तो यार मुझे पता करना है कि इसको मतलब कैसे क्या करूँ, तो मैं तो ऑफिशियली आके आप लोगों को मीडिया को आके बता दूंगा, तो वो रूमर तो आप तो और बोलोगे हैं हमको पता है. हाँ बहुत सारे रूमर्स हम लोग की लाइफ में आते हैं मीडिया के थ्रू, तो मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, बट वो भी आप लोग भी अपना काम करते हो. सो जो सच होते हैं उस पर रिएक्ट किया जाता है, और कोई लोग ओवर रिएक्ट करके बेवकूफ़ बन के फंस जाते हैं. सो दैट्स हाउ, इट्स अ पर्सनल लाइफ, एवरीवन इज़ डूइंग देयर जॉब, सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ मैन. एंजॉय द रूमर्स ऑल्सो, और खुश रहो कि थ्री फोकट की इंपॉर्टेंस मिल रही है, फुटेज मिल रहा है, खाओ ऐश करो. You do have a point there, Gaurav. Stardom and rumors surely go hand in hand. Upasana Patel, cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi guys, this is Gaurav S. Bajaj and you're watching me on India Forums. Please subscribe on WhatsApp TV. Thank you. Bye-bye.